बहुत दर्द हो रहा है। और फोटो वीडियो आ रही है। ये मैंने नहीं मंगाया है, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने भेजा है जो नहीं मैंने क्रिएट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। ओके, लेट के बात करते हैं, ठीक है। पता है क्या हुआ, मैंने ना कल रात में कपड़े ऑर्डर किए थे, ठीक है, मिंत्रा से। मुझे दिवाली के लिए एक लुक करना है, तो कपड़े तो ऑर्डर कर दिए 13,000 समथिंग के, पर उसमें मैं लहंगा ऑर्डर करना ही भूल गई। तो जब मैं लहंगा ऑर्डर करना भूल गई हूँ तो मैं ज्वेलरी पहन के क्या करूँगी, मतलब सोचने वाली बात है। अभी मैं फ़ोन पे फ़ोन लगाया जा रही हूँ मेरी सिस्टर को कि उठा ले, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। अभी मैं क्या करूँ, ज्वेलरी पहन के कहाँ जाऊँगी बताओ भाई। बड़ी समस्या है ये, दुखे ज़िंदगी से ख़त्म नहीं होता। मैं सबको फ़ोन करके यही बोलती हूँ, भाई ज़िंदगी से दुख क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, जल्दी ख़त्म होगा हमारी ज़िंदगी से भी दुख। खुशी खुशी आ जाएगी, खुशी खुशी, एक खुशी तो ये बैठी है। मुझे ना इतनी बोलने की आदत है, मैं इतने फालतू में बोलती रहती हूँ, काम कम करती हूँ और बोलती ज़्यादा हूँ, मेरा मुंह बहुत चलता है। और फिर जब लड़ाई होती है ना तो मैं ही बोलती हूँ अपने मन ही मन में, अब तो मैं बोलूँगी नहीं किसी से, अब तो मैं चुप ही रहूँगी। फिर जब चुप रहती हूँ तो लगता है यार बोल लेती हूँ, यार क्या रखा है, कल चली जाऊँगी। अच्छा बाय द वे ना, मेरी बुआ ने मतलब मुझे ये भिजवाए थे, पता है क्या, ये वाइप्स हैं, मैंने मंगाए थे उनसे, मैंने बोला था कि ये ज़रूर भेज दो, ये ना इतने ज़रूरी है ना गाइस। मतलब अपने पास हम क्या एलोवेरा वाले, या एलोवेरा बोल रही सॉरी, अपने ना वो वेट वाइप्स मंगाते हैं ना, वो अपने को बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। प्लस वो उसमें अगर एक पैकेट लिया हम लोग ने 50, 60, 70 का, तो 80-90 कह रही हूँ सॉरी, तो उसमें ना 10 मिलते हैं अंदर, ठीक है, तो 10 को हम काट तो सकते नहीं। अब ये ना बिल्कुल कॉटन का है, इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, बिल्कुल कॉटन है, तो स्किन पे ना रिएक्शन भी नहीं करेगा। तो ये काफ़ी बड़ा था, तो मैंने क्या किया, इसको ना 4-4 पीसेस में काट लिया, और ये ना मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक मैं ना इसको मंगा के स्टॉक करके रखूँगी, फ़िलहाल तो मेरे पास बहुत सारे रखे हुए थे। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है ना क्योंकि मैं कपड़े सुखा रही थी, तो अभी बताओ कपड़े सुखाते सुखाते या तो मैं कपड़े उठा लेती, या तो मैं फ़ोन उठा लेती, और या तो फिर मैं अपने आप से बोल लेती, या तो आप लोग से बोल लेती। तो मैंने सोचा चलो ठीक है वॉइस ओवर कर देते हैं, सामने फ़ोन रख देंगे, कपड़े सुखा रहे हैं तो वो भी दिखा देंगे। तो कपड़े ना मैं बाहर बालकनी में सुखाऊंगी, बिकॉज अंदर पानी ज़्यादा गिर जाएगा, और मुझे शूट करना होता है ना, मैं यहीं पर बैठ के शूट करती हूँ। देखना मैं बताती हूँ, जहाँ ये गेट है ना मैंने खोला, तो यहाँ से क्या रोशनी आती है, तो मैं यहीं पे बैठ जाती हूँ चेयर लगा के, ताकि मतलब मेरा शॉर्ट शूट हो जाए, ठीक है, ऐसा शॉर्ट वीडियो मैं यहीं बनाती हूँ। तो क्या सारे कपड़े वगैरह मम्मी ने धुल दिए थे, मम्मी धुलती है मोस्टली कपड़े, मैं नहीं धुलती गाइस, सच बात बताऊँ तो। YouTube वालों से मेरी एक फरियाद है कि आप ना कोई ऐसा फीचर निकालो ना जिससे जो हम छोटे क्रिएटर्स हैं जिनके बड़े वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्लीज़ प्लीज़ YouTube। मतलब मैं यही एक फरियाद लेके आई हूँ भाई। सारे कपड़े मैंने अच्छे से डाल दिए अपने, और अब मेरे को बहुत अभी काम था, मुझे रात में शूट करना था, शूट करने का मन ही नहीं कर रहा था, और यहाँ पे कोई था ही नहीं, मैं सोच रही थी कोई होगा आंटी वंटी तो 2-4 बातें भी कर लूँगी। और मतलब लेंस लगाने के बाद आप अलग ही दिख रहे हो, अलग पर अच्छी लग रही हो यार, वाह, अरे नागिन लग रही हूँ, नागिन, आँखों से आंसू कैसे आ रहे हो, ओ माय गॉड। मेरी मम्मी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, दो बिंदी कौन लगाता है, दो बिंदी कौन लगाता है, दो बिंदी कौन लगाता है, कहाँ पे, नहीं मतलब बिंदी पूछ रही कहाँ पे, अब सर पे तो लगाएंगे, हो गया तुम पागल लग रही हो, गया उतार चलो। आज मुझे ऐसी बेइज्जती फील हुई बाहर जाके, मतलब मैं वीडियो बनाई थी और नीचे देखे ही पड़े थे, देखे ही पड़े थे।
ओके गाइस, शूट मैंने कर लिया था। आस्था ने मेरा छत में जाके शूट कर दिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, अपना मेकअप का तो पिटारा भी नहीं निकालूंगी डेफिनेटली, क्योंकि अब मैं मेकअप कर करके थक गई हूँ। यहाँ ना मेरी हालत ख़राब हो जाती क्योंकि ना मैं लेंस लगा लेती हूँ। शाम को 6 या 7 बज रहे थे, अंधेरा होने वाला था, नहीं 6 बज रहे थे। हाँ, मम्मी की चल रही थी पूजा, तो मम्मी तो बोलती ही नहीं है पूजा के बीच में। मम्मी लगता है, ऐसा लगता है गायब हो गई हैं। लेंस निकालते समय ना मेरी आंखों में यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं लेंस निकाल रही थी ना तो वो लग गई मे बी मुझे। एनीवेज ओ साथ कंगन लेके आना, थोड़े कंगन बन तो कर रहा था ना कि बिल्कुल मेकअप उतारू और सो जाऊ। मेकअप कर तो लेती हूँ पर जब मेकअप उतारने की बारी आती है ना तो मुझे बहुत आलस आता है, क्योंकि मेकअप यार इतना मेहनत से करते हैं हम, और वो ना जब उसको उतारो तो लगता है पूरी खिचड़ी पक जाती है। एक तो इतना थक जाते हैं, और हाँ ऊपर से ये सिंदूर जो छूटता ही नहीं, ये अगले दिन तक नहीं छूटा। अभी आगे वीडियो में देखना, रात का खाना बनाना है तो जल्दी जल्दी से क्या करेंगे, थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे पहले। यहाँ पे जो भी साड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी सब कुछ उठा के सब लपेट दूंगी मैं, सब अलमारी में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि धीरे 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 वो सब फैल जाती है, एट देन मुझे ही समेटनी पड़ती है, और चार मम्मी बातें भी सुना देती है, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर बर्दाश्त नहीं होता भाई हमसे। जो ज्वेलरी पहनी थी सबको अपनी अपनी जगह में पहुंचाएंगे, बिकॉज मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाती हूँ तो यहाँ पे इसका डब्बा रखा रह गया था, तो ज्वेलरी वगैरह भी मैं सब एक डब्बे में डालूंगी। बाय द वे मैंने रात में पूरी ज्वेलरी बनाई भी थी, मैं बताना भूल गई, सब मैंने मतलब एक डब्बे में ज्वेलरी वगैरह सब सेट करके रख दिया था ताकि मुझे एट द एंड दिक्कत ना आए, है ना। तो अभी तो फिलहाल के लिए मैंने सब एक ही डब्बे में डाल दिया, बाकी तो मैं बाद में सब अलग अलग मैंने डाल दिया था। मेकअप वगैरह रखा है और इसी में मैंने ना इयररिंग भी डाल दिया था जो मिल भी नहीं रहा था, क्योंकि अगर आप ऐसे रख दो ना तो वो काला पड़ जाता है पूरा, मतलब है ना इयररिंग्स वगैरह काली पड़ जाती है, तो क्या मतलब गाइज मैं नेक्स्ट टाइम ना यूज़ कर पाऊँ, तो फिर इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ज्वेलरी वगैरह कर लूँ। अपने मेकअप वैनिटी अभी तो फिलहाल के लिए मेरे पास यही वैनिटी है यार, छोटा मोटा सा, तो डाल दिया। रात का मैंने, शाम को मैंने आपसे बोला था ना मेरे को खाना बनाना है, तो थोड़ी सी एडिटिंग की, फिर ना मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि पुलाव बनाया था। हाँ, पुलाव का रंग थोड़ा डार्क हो गया था भाई, मम्मी ने खाया ही नहीं, मम्मी मुझे इतना चिल्लाया ना, कलर कैसा कर दिया ऐसा वैसा। आप कमेंट में ये मत बोलना कि कॉइल आपने रखी, क्योंकि मैंने नहीं रखी है। मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हो मेरी मम्मी को क्या हुआ, तो मेरी मम्मी को चलने में प्रॉब्लम है, मेरी मम्मी को चलने में प्रॉब्लम है, इस वजह से वो सामान अपने आसपास रखती है, तो कॉइल उन्होंने रखी, जबकि मैंने बोला भी था हटा दो, तो मम्मी ने मुझे चार बातें सुनाई तो मैं मुँह बना के आ गई, वो खाना मैं ही खाने बैठ गई, मम्मी ने खाया ही नहीं, तो मैंने कहा चलो पहले मैं ही खा लेती हूँ, तो फिर मेरे खाना अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कहा मम्मी ने खाया नहीं तो पूछ आती हूँ, तो पहले मैंने सोचा रुक जाओ धीरे धीरे खा लूँ, और पता है क्या होता है जब मम्मी नहीं खाती है ना तो मैं धीरे धीरे खाती हूँ ताकि प्लेट की आवाज़ भी ना आए, तो ऐसे धीरे धीरे से खा रही थी खाना ताकि मम्मी को पता भी ना चले कि मैं खाना खा रही नहीं, मम्मी तो ये सोचेगी ना अपना खा रही और मैं यहाँ भूखी बैठी हूँ, तो जल्दी जल्दी से मैंने खा ली क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मैं शूट कर रही थी, शूट किया था ना तो मुझे भूख लगने लगती है, भूख लगती है, भूख अगर मैंने नहीं मिटाई तो मेरा समझ लो काम में मन ही नहीं लगेगा। गाइज मम्मी के लिए ना मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी पराठा खाओगी, तो भाई आप आलू के साथ पराठा ही खा लो, दाल और पराठा अगर आपको पुलाव नहीं अच्छा लग रहा, तो मम्मी ने बोला ठीक है पराठा ही बना दे जल्दी से, ऐसे करके बोला गुस्से में, तो मैंने बोला ठीक है, अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा तो आ रहा था कि मम्मी ने ऐसा क्यों बोला, फिर मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ, तो 3-4 पराठे बना दिए थे, मम्मी ने खा लिया मस्त, और पुलाव नहीं खाया। मैं क्या करूँ, उसने भेजा है तो वो ज्यादा ही अच्छी था, मैं क्या कर सकती, और हाँ उसने और भी भेजा है लहंगा ना, मैं सोच रही हूँ मस्त एक लुक करने के लिए, और उसके साथ ना उसने
ने ब्लाउज ही भेजा है, ऑब्वियसली ब्लाउज तो भेजेगी। और इसका दुपट्टा और ज्वेलरी कहाँ चली गई यार? अरे भाई ज्वेलरी कहाँ चली गई? हाँ ज्वेलरी कहाँ चली गई? अरे ज्वेलरी नहीं मिली। खैर उसने एक चीज और भेजी, लेके आती और उसने गाजर, नहीं गाजर क्यों, उसको क्यों, उसे मुंह भी रहा था। तो उसने लौकी का हलवा भी भेजा है जो लग रहा है देसी घी में बना है। तो देसी घी मैं नहीं खाती हूँ, देख मैं पहले बता रही, अगर तू मेरा ब्लॉग देख रही हो तो मैं पहले बता देती हूँ, फिर भी मैं खा ले रही। कोई बात नहीं, मेरे पापा खाएंगे, पापा को बहुत पसंद है, पापा खा लेंगे, मम्मी खा लेगी। और लहंगा बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें मस्त से रील बनाऊंगी, ठीक है? चलो गाइस हो गया बहुत। कुछ नहीं, मम्मी शूट कर रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि कौन शूट कर रहा है तो मम्मी शूट कर रही है। मम्मी टेस्ट कर लो, टेस्ट। अच्छा हाँ मम्मी पूजा कर रही, फिर भी यार थोड़ा सा खा लो यार। ये तो खाने से पहले है करने लगे, खाने से पहले ही मम्मी उनको खाने से पहले ही पता चल जाता है कि मतलब कैसा है, देख लो।